ये भी सामने नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों मैं आज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ मैं कौन सी लोकेशन पे, कैसी लोकेशन को विजिट करने के लिए मैं आके खड़ा हो गया हूँ। दोस्तों आज आप लोगों के सामने मैं अकेला खड़ा हूँ और कैमरे पे हमारे शुभम भाई हैं और इस लोकेशन को सिर्फ ओनली दो लोग विजिट करने के लिए आए हुए हैं। तो आप लोगों को बताने से पहले सभी लोगों से आपका छोटा भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है, जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अपने छोटे भाई की अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके अपने छोटे भाई को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ मैं ऐसी लोकेशन पर खड़ा हूँ जहाँ पर दोस्तों कब्रिस्तान पड़ता है। कब्रिस्तान की तरफ जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करना, वीडियो को इन तक देखते रहना। आपके छोटे भाई के साथ में कब्रिस्तान जाने के बाद क्या होता है आपके छोटे भाई के साथ में, तो दोस्तों प्लीज़ कंटिन्यू बने रहें। मैं चलता हूँ सीधा कब्रिस्तान की तरफ, क्या होता है आज हमारे साथ में। दोस्तों बने रहे आप लोग, चले आ जाओ भाई। और सेफ्टी के लिए आमतौर पे आप लोगों को बता दूं मैं अपनी सेफ्टी के लिए क्या लेकर आया हूँ, आप लोग खुद ही देख रहे हैं अपनी सेफ्टी, क्योंकि मैं कब्रिस्तान में आया हूँ भाई। ए टू जेड यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ ये नहीं कहता हूँ कि क्या यहाँ पे मिल जाए, मैं तो कहता हूँ कुछ भी हो सकता है भाई, जानवर भी हो सकते हैं, आम बात भी कुछ भी हो सकता है भाई कब्रिस्तान में। ठीक है आ जाओ भाई। ओ भाई आवाज आ रही है ना। हाँ भाई कौन है, कौन है, आवाज कैप्चर हो रही भाई। हाँ भाई सामने से आई। क्या भाई अबे ओ भाई कौन है, ओ सामने लेकर आ भाई, भाई 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 ओ कुछ, ओ सामने सामने भाई सामने यार कुछ कैप्चर हो रहा, वो सामने है ये। हाँ भाई हाँ हाँ ये सामने 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 है जी। कौन है अब भाई को आ रहा ओ भाई को आ रहा। तो तू आवाज आ रही थी यार, मैं कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था और अचानक से दोस्तों आप लोगों ने देखा ही है हमारा रास्ता बीच में ही रोका जा रहा है, हमारे रास्ते में कट लगाया जा रहा है कि मैं वहाँ तक ना पहुँचूँ, वहाँ की सच्चाई ना पता चले, कौन है क्या है ये तो पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं अपनी कोशिश करूँगा कब्रिस्तान जाने तक और वहाँ की सच्चाई को जो है मैं पता करूँगा रात में कब्रिस्तान में क्या होता है भाई, क्या दिखता है। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं भाई कब्रिस्तान में जाने के बाद में लोग वापस नहीं आते हैं रात में, ऐसी क्या बात सच है, आप लोग भी जानते हैं हमसे बेटर जानते हैं, वो आप लोगों को समझ के सोच समझ के कमेंट में अपने छोटे भाई को सजेशन करें कि हम क्या करें भाई। और आप लोग दुआ करें कि कब्रिस्तान में जाने के बाद सली सही सलामत वापस आ जाए भाई। तो आज भाई दुआ करते रहना भाई, और मैं सीधा चलता हूँ भाई, देखता हूँ आखिर ये कौन चीज़ थी सामने आकर हमारा रास्ता रोकने की कोशिश कर रही। जो भी देख सकते हो हमारे हाथ में आज क्या है, मैं यहाँ से डरने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे जो भी हो यहाँ से चले जाओ, हमारा रास्ता रोकने की कोशिश मत करो आज, वरना तुम जानते हो यहाँ पे आज मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ, कुछ भी कोई भी हो अगर आम इंसान भी हो तो हमारे हाथ में देख लो क्या है, समझते हो।
हाँ भाई यहीं पे कोई गायब भी हो गई अचानक से। हाँ भाई जैसे मैं वापस गया अचानक से गायब भी हो गई है। ये सामने भाई अबे ये सामने भाई ये देखो भाई सामने भाई ये सामने है भाई ना कुछ हाँ भाई कौन है देख लो हमारे हाथ में क्या है आज कौन हो तुम ये माइक वहाँ से गायब हो गया वहाँ से कैमरे लीजिए कैमरा लो कैमरा लाओ वहाँ से गायब दोस्तों गायब हो गया है वो माइक और यहाँ से गायब भी हो गया। ऐसी क्या चीज़ है यहाँ पे यार पता नहीं भाई पर अभी तो सामने थी वो चीज़ अचानक गायब हो गई। अब दोस्तों मान गए ना कुछ तो दोस्तों कब्रिस्तान में है जो मुझे जाने से रोका जा रहा है यार। अबे वो सामने तो टहल रहा वो घूम रहा है यार। हाँ भाई हाँ हाँ वो कब्रिस्तान के दोस्तों बॉर्डर पे घूम रहा कब्रिस्तान के यहाँ से दोस्तों कब्रिस्तान का दोस्तों बॉर्डर दिखता है यहीं पे ये सामने दोस्तों क्या दे है ना। हाँ पीछे जा पीछे पीछे हो जा भाई पीछे हो जा पीछे पीछे हो जा पीछे हो जा कौन है कौन है तो वो दोस्तों देख लो वहां से घूम टहल रहा है यार। हाँ भाई एक मिनट देख लो हमारे हाथ में क्या है गायब हो गए भाई। ओ माय गॉड यार संभल के चलना तो पड़ेगा ना इसका मतलब। हाँ भाई हमला भी कर सकता है यार है क्या चीज़ ये तो कंफर्म करो कि अब कब्रिस्तान में है क्या चीज़ है। मुझे तो क्या लग रहा है क्या है यार आदमी है क्या है से गायब हो गया यार। हाँ भाई ये तो अजीब सी अचंभा हो रहा है यार यहाँ से यहाँ तो गायब हो जाता है इसके बाद में पता नहीं चलता है चला कहाँ जाता है यार इसका मतलब कोई पता नहीं चल रहा है भाई। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कब्रिस्तान के पहुँचने से पहले ही हाँ ऐसी चीजें एक्टिविटी दिखाई पड़ रही ना। हाँ भाई तो कब्रिस्तान में क्या होगा फिर इसका मतलब बहुत ही खतरा होगा भाई कब्रिस्तान पहुँचने में एक मिनट रुक जा भैया सामने दिखाया कैम कुछ भी कैम हो सकता है ना कब्रिस्तान में। ओ भाई हा? उस रोड पे कोई है कहाँ पे जहाँ से आए थे कहाँ पे कौन है कुछ भी तो नहीं यार वहाँ पे क्या वहाँ दिख रहा है आपको कुछ दिखा। हाँ भाई वहाँ पे तो कुछ नहीं है यार क्या है कुछ तो है। हाँ भाई दिखाई तो नहीं पड़ रहा है लग रहा डर रहे हो तुम नहीं भाई कोई हाँ हाँ यहीं पे हाँ हाँ थोड़ा आगे आराम से यहीं पे था यहीं पे तो था वो है कहाँ गया कहाँ फिर कहाँ गया वो यकीन नहीं हो रहा ना दोस्तों। आप लोग जानते हैं सामने सामने कोई है भाई मुझे क्लियर हो गया ये देखो कौन है यहाँ पे अबे ये अबे ओ माय गॉड कैमरा लगा उल्टा कुछ है ये देख सामने ये सामने देख यार ये सामने चुम कर भाई ये देख ओ माय गॉड यार ये
ओ माय गॉड, छोड़ दे यहाँ से, मेरे कैमरे घूम रही है। उधर भी कुछ, कुछ चमक रहा है भाई, कुछ चमक रहा है ना। हाँ भाई उधर भी है, इधर भी। कैमरा पीछे कर भाई, कैमरा पीछे कर। आगे तो चारों तरफ से कुछ भी आ सकता है यार, आगे पीछे भी कुछ भी है यार। किधर जाना पड़ेगा यार, रास्ता दोनों तरफ से बंद हो गया। पेड़ हिल रहा है, ये देखो पेड़ हिल रहा है यार यहाँ पे है। हाँ भाई, ये दोस्तों कौन हो तुम, क्या चाहते हो, हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो, कौन हो? ये देखो वो सामने देखो ये, अबे यार, ओ माय गॉड, हे प्रभु, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कपीस, तिन लोक उजागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ओ भाई पेड़ पे, अबे यार पेड़ पे पीछे जा। ओ माय गॉड यार, ये देखो ये सामने है ना पेड़ पे। हां भाई, जूम करके दिखाते हैं, मुड़ जा भाई, रुक रुक भाई सामने। ये दोस्तों देख सकते हैं यार पेड़ पे है, ये देखो दोस्तों ये पेड़ पे ऐसी क्या चीज़ है दोस्तों जो मुझे डराने की कोशिश कर रही है यार। ओ माय गॉड यार, ये सामने 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 कौन हो, कौन है, कौन हो तुम भाई? पास मत जाना, ये देखो भाई यार सच में है यार, ये तो आदमी है यार कब्रिस्तान का, पर दोस्तों आदमी है दोस्तों, आदमी कब्रिस्तान का। हाँ तो कब्रिस्तान में क्या होगा भाई, ये मुझे रोकने की पहले कोशिश कर किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि कब्रिस्तान में पहुँचे ना हम, देखा। हाँ भाई हमें भरमाने की कोशिश कर रहा, पहले इधर भी दिखाई पड़ा, वहाँ भी दिखाई पड़ा, और गायब भी हो जाता था अचानक से, वो देखो पेड़ से भी गायब हो गए क्या। हाँ भाई, ओ माय गॉड यार, दोस्तों प्लीज यार आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बहुत डर लग रहा है, डर लगने लगा भैया। हाँ भाई दोस्तों आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है भाई, आपका छोटा भाई ऐसी लोकेशन को विजिट करके भाई जान जोखिम में डालकर रात में लोकेशन को विजिट करता हूँ, तो प्लीज यार अपने भाई की जो अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करके अपने छोटे भाई की ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों। एक बार दोस्तों आप लोगों खातिर, आपके प्यार के खातिर, आपके आशीर्वाद के लिए दोस्तों एक बार चलता हूँ, देखता हूँ आखिर आदमी ये गया कहाँ, फिर अचानक गायब कैसे हो जाता है। आ जाओ भाई, अगर ऐसे दिखाई पर ना यहाँ से निकल लेना फिर से, जो भी है वरना कुछ भी हो सकता भाई, हमारे साथ सेफ्टी भी है उसके बावजूद में नहीं डर रहा है ना। कौन है? ओ ये भी सामने, ये देखो ये उल्टा निकल रहा है यार। हाँ भाई उल्टा, ये ओ शैतान है दोस्तों, ये है ना। हाँ भाई शैतान की तरह चल रहा है यार। हाँ भाई कब्रिस्तान में निकल आ रहे हैं ऐसे। कौन है ये देखो भाई, कौन हो तुम? ये ओ दोस्तों आपका छोटा भाई यार यहाँ पे रुक नहीं सकता यार, इतना खतरा हो सकता है, अभी जान जा सकती है दोस्तों, तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ, मैं यहाँ से निकलता हूँ और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। आ जाओ भैया, चलो यार चलो चलो चलो, चलो। ओ माय गॉड यार।